विकास कर रही, क्या कर रही? हाँ। ये खाकर हक दे उसको, विकास है? खाली मीडिया वालों का विकास, हाँ, है। मीडिया वाले का विकास है। आप पैसा लिए हैं? हाँ। आपका विकास हो रहा है? अच्छा, पैसा लिए हैं? कब का लिए हैं? अच्छा, आपका विकास हो रहा है मीडिया वाले, तभी ना चूर छाल मारते हैं आप लोग। लेकिन वीडियो तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ जो है गोटी बट रही है जी। योगी सरकार की गंदी सरकार है, इनको हम लोग किसी चाहते नहीं है। ठीक है सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रवि यादव पड़ेगा। अच्छा यादव जी, आप तो कहेंगे समाजवादी पार्टी की बात करेंगे? नहीं, हम समाज सेविक हैं। अच्छा, और आपको लगता है कि हम समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो और लोग हैं, बात कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो इस मजवा विधानसभा में अभी तक इतिहास रहा है, कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं है, यहाँ से विधायक नहीं बने हैं। इस बार इतिहास तोड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, पीडीए की सरकार। अच्छा, बदलाव होने जा रहा है। हाँ। और इस बार जनता उब चुकी है डबल इंजन की सरकार से। ये लोग झूठ बोलने का पुलिंदा बने हुए हैं। अच्छा। झूठ बोलने का ये लोग ट्रेन बने हुए हैं। और आप लोग अखिलेश यादव जी ने पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ। 9 के 9 सीट जीतने जा रहे हैं। अच्छा। उप चुनाव। हाँ। जी 9 सीट। अच्छा, यहाँ मझमा की बात मैं कर रहा हूँ, मझमा में जो है बता तो रहा हूँ इतिहास रहा है कि अभी तक समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। तो इस बार इतिहास हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा। इस बार इतिहास तोड़ने जा रहे हैं और जनता परिवर्तन लाने की प्रयास में है। अच्छा। और प्रयास करे, जनता एकदम तैयार है, जनता तैयार है। 20 तारीख को एक पहला खाना में ज्योति बिंद को विधायक बनाने जा रही है। पढ़ी लिखी लड़की है, शिक्षित है, सबकी बिटिया है। और उधर भाजपा जो है, भाजपा के प्रत्याशी उतरी है सुचिस्मिता मौर्य जी, बाद में उतारी गई और बताया जा रहा है कि बड़ा जो है भौकाल है। कुछ नहीं है, भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। आपको पता होगा कि ये लोग निषाद समाज को भाजपा ने काटने का काम किया। यहाँ निषाद समाज के विधायक थे, वो बेचारे ने बहुत लोग मेहनत किए, फिर वो 5 साल पता नहीं कहाँ हरा गई थी, मझुआ में कहीं नहीं, फिर उनको टिकट देकर जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है। जीते हुए कब कभी नहीं दिखाते रहे 5 साल सुशीता मौर्य मझुआ से जब भय रही तब 5 साल उनका दर्शन नहीं कोई इंसान पाए रहा, इसीलिए कि उनके मन जनता बनाए ले समाजवादी कि इसको उनको कम से कम 40-45 हजार वोट से हराना बस उससे मौर्य। योगी जी ये क्या कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुचमिता जो मौर्य हैं ये 5 साल मतलब जो चुनाव में विधायक बनी हो, ये 5 साल में एक दिन भी यहाँ पूरे क्षेत्र में मझुआ क्षेत्र में वो आई नहीं है। और ये 5 साल चुनाव के बाद वो अचानक से प्रकट हो जाएंगे तो उन्हें मझुआ के लोग थोड़ी ना ऐसे स्वीकार कर लेंगे। मझुआ के लोग भी जान रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन आगे आ रहा है। अच्छा। हाँ, निषाद समाज को और बिंद समाज को जोड़ने के लिए अभी कुछ ही दिन पहले अभी हुआ था जो है बोटी बट रही थी भाजपा में जी। ये लोग भाजपा के लोग आचार संहिता का पहले उल्लंघन कर रहे हैं। पहले मैं जिले के अधिकारी और जिले महोदय SP साहब को मैं निवेदन कर रहा हूँ, पहले इसको जांच कराया जाए, जो दोषी पाया जाए। कई लोगों को वहाँ सर फूट गया था, किसी ये मझुआ विधायक सांसद उनके कार्यालय पे, उनके कार्यालय पर सांसद जी के विनोद बिंद भदोही के, यहाँ के पूर्व विधायक थे, उनके कार्यालय पर 1,000 लोगों का निमंत्रण था। और हमारे नेता लोग, वरिष्ठ नेता जी ने कल चुनाव आयोग को भी एप्लीकेशन दिए हैं। ये लोग क्यों कह रहे हैं कटे मत बटे मत, वो बोटी नहीं बट पा रहे, बोटी नहीं बांट पा रहे हैं वो सब। अच्छा जी, बट नहीं पा रहा, बोटी बांटने में झगड़ा हो गया भाई, कम हो गया होगा तो बोटी जूस नहीं तो बटेगा कहाँ, जूस दे रहे थे, बोटी मांग रहे थे नहीं मिला, इसीलिए वो बल्टी चला कर मार दिए, कपार फट गया उसका जी। वहाँ पे भीषण लात घुसे चले हैं, बोटी के नाम पे जूस दिया जा रहा है लोगों को, और 1,000 लोगों को बुला के निमंत्रण था उसमें, तो लोगों को बुला के उसमें सिर्फ खाली जूस दिया जा रहा है और बोटी के नाम, बोटी के पता ही नहीं है। रहा है कोई वीडियो जो फोटो तो नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं जो कहा जा रहा हूँ उधर, मैं अकेला झूठ बोल रहा हूँ, ये मिर्जापुर की जनता थोड़ी झूठ बोलेगी अकेली। अच्छा। मैं अकेला झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, सब सारे यही बोल रहे हैं। सोशल मीडिया, आप पत्रकार महोदय हैं, आप लोगों से कौन झूठ बोलेगा? आप लोग एक हमारे सत्ता पे है पूरे भारत के, आप लोग सर्च करें सोशल मीडिया। BJP जो पार्टी है वो पिछड़ों की ना, वो पिछड़ों के एकदम पीछे करना चाहती है, एकदम पिछड़ों के एकदम पीछे करना चाहती है।
चाहिए। अच्छा, अच्छा, यही पटा था। अच्छा देख लीजिए, ये लोग वीडियो लाए, कह रहे थे कि वीडियो नहीं है, लेकिन वीडियो तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ जो है बोटी बट रही है। जी जी, अब बोटी में झगड़ा हो गया एकदम जूस के लेकर। जूस को लेकर जी, मतलब बोटी मतलब मिली नहीं, नहीं बटेंगे तो कटेंगे नहीं, अब जुड़ेंगे तो मतलब जुड़ेंगे तो जीतेंगे अब। अच्छा हाँ, कटेंगे बटेंगे नहीं, अब ये कटेंगे चली नहीं एकदम नहीं। ये जब बोटी नहीं चला पा रहे हैं तो ये लोगों को जोड़ने का काम कैसे करेंगे? अच्छा। जब लोगों को ठीक से खिला नहीं पा रहे हैं को, ये लोग 10 साल में एकदम खंखड़ बना दिए। अच्छा। एकदम खंखड़, कोई रोड पर आप चले जाइए गड्ढे से गड्ढा कहते हैं, सरकार बोलते हैं माननीय योगी जी कहेंगे गड्ढा मुक्त हो गया। आप मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आप घूम लीजिएगा अगल बगल, आपको 5-5 फीट का 4-4 फीट का। विनोद बिंद थे इससे पहले, कुछ किए नहीं 2 साल नहीं, बस खाली ये लोग हम में जी रहे हैं, हम में जी रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं। जो बड़का नेता उनका कहेगा वो है बस बोलेंगे वो सब। हाँ, जो योगी या मोदी बोलेगा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में वही उनका छोटा सोचते हैं कि नहीं बोलेंगे तो हमारी पार्टी से निकाल देंगे, हमें कुछ कर देंगे, मुझे जांच बैठा देंगे, मुझे कुछ कर देंगे। इसीलिए कि छोटा जो नेता है ना वो नहीं बोली बोलता है। रामसोक यादव। अच्छा यादव जी, आप तो आ गए अखिलेश यादव। हाँ अखिलेश, आगे हम लोग दीवाने हैं भाई है। उसमें कहने की बात नहीं, ज्योतिबिंद को चपक रोड पर रहा है। अच्छा। और जीत रहे हैं, निकम्मा सरकार नहीं चाहिए, इसलिए महंगाई बेरोजगारी दो बार पेपर लीक हुआ, इसलिए कि सरकार नहीं चाहिए, उखाड़ के फेंकना है। अच्छा, उखाड़ के फेंकना सरकारी सरकार को। और हाँ तो यही है कि यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है। 5 साल थी ये सुष्मिता मौर्य, उसके बाद इनका टिकट कट गया, निषाद पार्टी जब पा गई। 5 साल में कभी नहीं दिखी मझुआ विधानसभा में, कभी नहीं दिखी, और कुछ काम एक भी काम उनका नहीं हुआ है। अच्छा। और इसलिए अखिलेश यादव जी युवाओं का ध्यान देते हैं। पुलिस भर्ती में हम लोग 2-2 बार पेपर दिए, एक बार हो गया था, हमारा अपना नंबर भी मिला लिए, पूरा आ गया था, उसको रद्द कर दिया गया। अच्छा। उसके बाद फिर अभी पेपर हुआ है, कोई उसकी जानकारी ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसी सरकार से क्या मतलब है। अच्छा। जो सरकार में खुद कहते हैं कि यहाँ पर बाई रोड प्लेन से आते हैं और उसके बाद 12वीं के बाद इंटर करते हैं और जो नाली के गैस से चूल्हा गैस निकलता है उस पर चाय पी कर सब लोग चले जाते हैं, यही मोदी जी और योगी जी का विकास है। और सांड घूम रहे हैं, सांड से डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, और उसके बाद खेत इस समय जाकर देख लीजिए, सभी लोग अपना उसको जब तक कांटे वाले तार से उसको रूढ़ेंगे नहीं, खेती नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है ऐसी सरकार की। अच्छा। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना ही बहुत जरूरी है। बताइए क्या नाम पड़ेगा जी? मेरा नाम पवन देवड़ा, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा बनारस। अच्छा, बनारस से आ गए? यस। यहाँ जो है लोगों से वोट मांगने के लिए? जी जी, वोट मांगने के लिए नहीं, सपोर्ट मांगने के लिए, बदलाव के लिए, एक बदलाव, जो कि उत्तर प्रदेश में ऐसी गवर्नमेंट चल रही है जो कि नकारात्मक गवर्नमेंट है, जो सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है, विकास के मुद्दे पे एक कुछ नहीं किया है। आज हम लोग मझुआ में आए हैं, हमारे प्रत्याशी ज्योतिबिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, उनके विचारों को पहुंचाने के लिए। अभी हम लोग मझुआ बाजार में थे, प्रचार कर रहे थे, बहुत ही अच्छा माहौल है उधर, उधर की जनता काफ़ी खुश है कि कुछ बदलाव होगा, और इस बार बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह का जंगल राज कायम है ये आप देख रहे हैं, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, जिस तरह ये पेपर लीक सरकार, जिस तरह की पेपर लीक सरकार है ये और पेपर लीक करवा रही है, उससे तो एक बात साबित हो गई। अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा, लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो रहा था, हजारों लाखों छात्र सड़कों पे थे, लेकिन उनके आगे नर्मस्तक होके समाज, अरे उनके आगे नर्मस्तक होके भारतीय जनता पार्टी को फैसला रद्द करना पड़ा और एक पाली में परीक्षा कराने का फैसला लेना पड़ा। कहीं ना कहीं सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है और वो ये जान चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पद चिन्ह पर चलकर हम सब नौजवान, और नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है, नौजवान डिग्रियां लेकर भटक रहे हैं। हिंदुत्व वाले का सपोर्ट हम लोग का है। अच्छा। हाँ, और इस बार बहुत तगड़ा से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और उनको निकलने से कोई रोक नहीं पाएगा सर। अच्छा। हाँ, क्या नाम पड़ेगा? तस्लीम अंसारी। अच्छा, तो इस बार जो है बदलाव दिखेगा यहाँ पे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हम लोग पूरा सहयोग पड़ेगा। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस बार, इतिहास बना के जाएगा मझमा, इस बार इतिहास बना देंगे हम लोग, इस बार हम लोग 50,000 वोटों से जीतेंगे इस बार मझमा विधानसभा उपचुनाव। हर समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं, हर समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं। अच्छा,
कैसे, क्योंकि अभी तक तो जीती नहीं है एक बार भी समाजवादी पार्टी, हालांकि दूसरे नंबर पे रही है। इस बार वही तो हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 50,000 वोटों से इस बार समाजवादी पार्टी मझवा विधानसभा जीत रही चुनाव। इस बार परिवर्तन जरूरी है, सबसे बड़ी चीज महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों का भविष्य, इस ये सब लेकर बहुत ज्यादा परेशान है जनता, इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसलिए इस बार मझवा से विधानसभा से रमेश बिंद की लड़की जो है ज्योति बिंद जी निकालेंगे, हमारे तो जरूर निकालेंगे। उनके पिताजी भी 3 बार से यहाँ से सांसद विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, तो क्या काम किए थे ऐसा बात नहीं है। पिताजी जो किए उसका बात अलग है, लेकिन बिटिया पढ़ी लिखी है इसलिए इसका प्रभाव जो ज्यादा है ना। अच्छा। लोगों को है कि कह रहे हैं इसके चेहरा को देख कर रहे हैं ना काम। अच्छा। समाजवादी पार्टी कुछ लोग कह रहे हैं कि बस टिकट लेने के लिए लोग दल बदल के आ जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश यादव को देख कर वोट दिया जाएगा। अच्छा। और सभी युवा पीढ़ी देगा अखिलेश यादव को देख कर, और एक तरह से रोजगार को देख कर, महंगाई को देख कर किया जाएगा ये वोट, अखिलेश यादव जी को देख कर वोट पड़ेगा। परिवर्तन जरूरी है सर, थोड़ा सा हमारे मझवा विधानसभा में महेंद्र यादव बिंदु। अच्छा। हमारे समाज को गल्ला ले करके दे करके शिक्षा शिक्षा ले जा रहा है इस सरकार में, इस सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। अखिलेश यादव को हम लोग चाहते हैं, ये समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव हैं वो अच्छी पार्टी है, हम लोग मतदान उन्हीं के करना चाहते हैं, ठीक है। योगी सरकार की गंदी सरकार है, इनको हम लोग किसी चाहते नहीं है, ठीक है सर। कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है बहुत विकास कर रही है, राशन दे रही है, विकास कर रही है, क्या कर रही है, ये खाकर हक दें उसको विकास है, खाली मीडिया वालों का विकास है। कम मीडिया वाले विकास है, आप पैसा लिए हैं, आपका विकास हो रहा है। अच्छा, पैसा लिए हैं, तब क्या लिए हैं आप? अच्छा, आपका विकास हो रहा है, मीडिया वाले तभी ना छाल मारते हैं आप लोग, आप लोग विकास मान ले, आप लोग मानते हैं, यही वजह हम लोग सच बोलते हैं कि हम लोग वोट देंगे समाजवादी पार्टी साइकिल को, वोट पड़ रहा है बीजेपी पर, ये आप लोगों का है ना, आप लोग मिले हुए हैं। हम थोड़ा वोट पड़वाते हो तो चुनाव आयोग पड़वाते हैं, लोग कुल करते हैं, करते हैं, हम लोग चाहते हैं सच्चाई दिखा देंगे, तो सब जो सच्चाई दिखाइए और क्या सच्चाई दिखाइए, अभी तो सच्चाई दिखा रहे हैं यहाँ पर, आप ही की बात ना उठा रहे हैं, तो आप रैली में आए हैं तो आप हमारा करेंगे।